उड़ गया। देखो बहुत तेज हवा चल रही है भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए फ्रेश और कमाल से एपिसोड में। हम लोग के बैग्स और इस जगह की चकाचौंध को तो देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू अ प्लेस जिसको कि इंडिया मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उस डेस्टिनेशन का क्या नाम है वो आप गेस करो, और उस डेस्टिनेशन का नाम हम लोग तब बताएंगे जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग हैं ISBT कश्मीरी गेट में, जिसको कि न्यू दिल्ली का बस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग की बस है 5:50 की, और अभी हो रहा है टाइम 5:19, और साथ में जा रहे हैं आदित भाई जो कि ये न्यू दिल्ली से है। तो इनके साथ हम लोग जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन जहाँ नाम आपको पहुँच के बताएंगे। और बहुत ज़्यादा दिनों से प्लान बन रहा था, कुछ सीजन्स की वजह से नहीं हो पाता था, बट फाइनली इस बार हम लोगों ने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया है। और अब जब पहुँच गए बस स्टेशन तो वहाँ तो पहुँचेंगे, तो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा प्लान। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एक्सपेडिशन और उस जगह के लिए। तो बस यही है, अब बस बोर्ड के जिसमें मिलते हैं, तब तक बाय। सो राइट नाउ इट्स 5:42 इन द इवनिंग एंड वी आर इनसाइड द बस। हम लोग जिस बस से ट्रैवल कर रहे हैं, और एक मिनट, तो जो सीट हमने बुक कराई है वो ये है, और विंडो सीट आदि भाई ने हमसे लड़ झगड़ के लिए, जबकि पहले ये बात हुई थी हम लोगों की विंडो सीट मैं लूँगा, पर इन्होंने ले लिया है, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है, तो दे दी। मतलब कोई बात नहीं, अपन गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते भाई, गरीब आदमी की आवाज़ दबा दी जाती है, हम अपील करेंगे इस चीज़ को आगे चलते कभी। तो बस यही है, ये हमारी सीट्स, और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं HRTC की ऑर्डिनरी बस से। तो अब सीधा मिलेंगे जहाँ पे जा रहे हैं, बिकॉज रात का पूरा सफ़र है और रात में कुछ भी नहीं दिखता है, कैमरा जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करता है। तो बस यही है, तो मिलते हैं आपसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच चल पाए, एंड मिलते हैं आपसे डेस्टिनेशन पर। हाँ, सो फाइनली वी हैव रीच्ड आर होटल, एंड जो जहाँ पे हम लोग आए हैं उस जगह का नाम है डलहौजी। मन था कि बस से उतरने के बाद पूरा व्लॉग बनाते, बट उसके पीछे कुछ रीज़न ऐसा हो गया कि जैसे बस से उतरे, जब बस चल रही तब कोई बारिश नहीं थी, जैसे बस से उतरे तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई, इसकी वजह से व्लॉग नहीं कर रहा। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा होटल है, और जैसे ही हम लोग होटल में आए, हम लोग वैसे होटल में आए हुए 1 घंटे हो चुका है, बट अभी अभी रूम पे चेक इन हुआ है, बिकॉज 12 बजे का चेक इन था, हम लोग 10:30 के आसपास आ गए थे होटल में। तो हम लोग लॉबी में बैठे थे, बट उस समय स्नोफॉल होने लगी थी, उस स्नोफॉल की मैं एक क्लिप मैंने छोटी सी रिकॉर्ड करी, वो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी व्यू देखो रूम से यार, कितना ज़्यादा मस्त है। और ये रहा मेरे पीछे पूरा रूम, अभी मैं बैक कैमरे से पूरा रूम दिखाता हूँ आपको, तब तक आप व्यू देखो पहले। तो ये है हमारे रूम से व्यू, बारिश हो रही है और ये देखिए, हाँ अभी तो बारिश, अभी भी बारिश ही हो रही है, थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हो रही थी, वो अगर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पड़े हैं, बहुत लाइट स्नोफॉल हुई, बट हुई तो मज़ा आ गया क्योंकि पहली बार मैंने लाइव स्नोफॉल देखी। इतनी अच्छी लाइटिंग है यार, इतनी अच्छी लाइटिंग में व्लॉग करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाय द वे आई एम व्लॉगिंग विद Realme X2, जो कि भैया ने मुझे कल सरप्राइज़ दिया दिल्ली में, जो आदि भाई के पास भैया ने ऑर्डर करके भेज दिया था, किसी ने मुझे बताया नहीं था, मुझे एकदम से मिला, तो मतलब मज़ा आ गई। बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा यार, क्या लाइटिंग, परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन है, क्यों एकदम। अब मैं रूम दिखाता हूँ आपको। सो ये रूम है, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, इस तरफ TV लगा हुआ है, इस तरफ ये सोफ़ा पड़ा है बैठने के लिए, इधर टेबल है, ये बेड है, वो आई थिंक सो चेंजिंग रूम है, उसको चेक करो, हाँ चेंजिंग रूम है ड्रेसिंग टेबल के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जगह 2 नंबर और नहाने धोने के लिए हमारा प्यारा सा ये रहा बाथरूम। तो हाँ बस यही, अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, फिर से स्नोफॉल होने लगी है, हाथों पे गिर रही है, मैं दिखाता हूँ, बस यही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं।
तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे। अभी आज का प्लान है कि हम लोग डलहौजी पूरा जो लोकल डलहौजी है, माल रोड और सुभाष चौक और थोड़ी बहुत प्लेसेस हैं ये सब घूमेंगे, और कल फिर हम लोग जाएंगे वो कल के ब्लॉग में बताया जाएगा, आज हम लोग यही सब घूमेंगे। तो अभी रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को घूमने के वक्त, तब तक बाय बाय एंड एंजॉय टाइम लैप्स। ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, एंड अभी हम लोग पूरा रेस्ट करके, अच्छे से रेस्ट करके बिल्कुल उठ चुके हैं। ये रहे मेरे पीछे आदि भाई, और पूरे में स्नोफॉल गिर चुके, कितनी ज्यादा स्नो गिरी है ये आप देख सकते हो, पूरा पीछे स्नो है, इधर आप ट्रीज में स्नो स्नो, मतलब पूरे में स्नो स्नो है। और ये रहे हमारे रूम्स, सो अब हम लोग चलते हैं माल रोड की तरफ और देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, कुछ खाने पीने चलते हैं और टहलने चलते हैं लोकल मसूरी जो कि कैसा रहता है। भैया जल्दी आओ भैया, वो अम्ब्रेला खोलो। हाँ तो अब अम्ब्रेला के नीचे रह के करते हैं व्लॉगिंग स्टार्ट। पूरे में आराम से चलना, बहुत आराम से चलना, फिसल जाओगे। मस्त बर्फ गिर चुकी है, मजा आ रही है यार, जैसा भी है। देखते हैं चलते हैं माल रोड की तरफ और देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है पूरा। एक छतरी दो लोग, माय गुडनेस, क्योंकि हवा चल रही है। ओ माय गॉड, ये देखो पूरे पीछे पूरी बर्फ डलहौजी की, इसको गरम सड़क कहते हैं। गरम जलासी भी नहीं है ये, बहुत ठंडी है। सिर्फ नाम से गरम है, बाकी है पूरी ठंडी। पूछे पूरी नीचे, ये देखो पूरी पीछे बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अमेजिंग, जिसको बोलते ना अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिसको आप सिर्फ सोच के आ सकते हो वो सच होगा कि नहीं, वो पूरा पूरा किस्मत पे डिपेंड करता है। सो वैसा हुआ हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा मजा आ रही हो। काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे देखो थोड़ा सा फुटप्रिंट्स में आपको दिख जाएगा, ये कार्स के ऊपर बर्फ जमी हुई है, अभी भी बर्फ गिर ही रही है, ये पूरी बर्फ गिर रही है। अरे सुनो इसकी प्रखर की बात, सुनो अभी मेरी बात सुनो, मैं अगर भारी नहीं होता ना तो सच बता रहा हूँ उड़ जाता। इतनी हवा चल रही है, हवा भी चल रही है, आराम से बर्फ गिर रही है। जो कहते नहीं कि आप जो सपनों में सोचो जिस तरह का वेदर होना चाहिए जहाँ पे आप जा रहे हो हिल स्टेशन, वैसा मिले, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा वेदर है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, स्नो गिर रही है, हवा चल रही है, ठंडक लग रही है, बट हम लोग इतने ज़्यादा कपड़े रखे हैं, रखे भी हैं एक एक जैकेट्स, वो तीन तीन जैकेट्स पहने हैं, इनर्स भी पहने हैं, तभी ठंड नहीं रुक रही है, तभी ठंड लग रही है, बट मज़ा आ रही है। मेन क्या है, मजा आना जो कि आ रही है, और आई होप सो कि आप लोग को भी आ रही होगी। मतलब टिल नाउ आज तक की मेरी जिंदगी का ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट जो डिसीजन रहा है टाइमिंग को लेके वो यही रहा है। क्यों आदि भाई, बिल्कुल एडवेंचर, मतलब सुबह सुबह सुभाष चौक पे, सुभाष चौक में, और हम लोग जा रहे हैं कि माल रोड की तरफ। अभी हम पता करते हैं कि कहां पे वॉल रोड पड़ती है, क्योंकि यहां पे चार राय, चार रास्ते हैं कि जहां पे जा सकते हैं, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, तो इस वजह से मैं पता करने जा रहा हूं कि मॉर्निंग स्टार स्टोर पे मुझे बताया गया है कि मॉल रोड पड़ेगा। हम लोग भी यहाँ पे अम्ब्रेला रखे अपने ऊपर, इस वजह से शेडो पड़ ली, बट कोई बात नहीं। अब आदि भाई बताएंगे आपको अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं और अभी एग्जैक्टली डलहौजी में क्या हो रहा है। आदि भाई बताइए। मैं बता सकता हूँ कि मॉल रोड पे ना अभी यार कितनी बर्फबारी हो रही है, सही बता रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं अपने वाटरप्रूफ शूज़ क्यों नहीं लेकर आया। मैं सिर्फ और सिर्फ बर्फ में चल रहा हूँ और मेरे पास स्पोर्ट्स शूज है। स्पोर्ट्स शूज आपको पता ही है कि बहुत एयरी होते हैं और यहाँ पे पानी तो जाना जाना लाजमी है। ओके, तो अभी मैं
सिर्फ रिग्रेट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता. That's my original name, PRAKHAR. AR is missing because उधर स्पेस नहीं है उधर जाके लिखने के लिए. बट आदि भाई अपने पूरी मेहनत कर सकते हैं, अब आर का ट्राई कर सकते हैं ना. तो ये रहा प्रखर एडी एंड ट्रैवल बग. वीडियो बना रहा हूँ ठीक है. ये देखो इस लड़के को देखो, लड़के को देखो स्लोमो लेने की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि स्लोमो thank you.